हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम स्मार्ट डोरबेल और लॉक सिस्टम बनाने वाले हैं। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें ESP32 कैम बोर्ड, FTDI कन्वर्टर, सॉलिनॉइड लॉक, मिनी ब्रेडबोर्ड, रिले बोर्ड एंड पुश बटन, इन सब कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्राम अपलोड करने से पहले हम अपने ब्लिंक ऐप को सेटअप करेंगे। सो क्लिक ऑन ओपन इट एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड गिव द नेम स्मार्ट डोरबेल और हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे ESP32 डेव बोर्ड, कनेक्शन टाइप वाईफाई और क्रिएट कर देंगे। ऑथेंटिकेशन हमारी मेल पर आ जाएगा। प्लस आइकन पे क्लिक करके हम सबसे पहले इमेज गैलरी को ऐड करेंगे। जिसमें हम इमेज गैलरी की वर्चुअल पिन V1 को सेलेक्ट करेंगे। अगेन फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके स्टाइल बटन को ऐड करेंगे, जिसमें हम उसका नाम फोटो रखेंगे और इसमें पिन GPIO 14 पिन को सेलेक्ट करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करके हम फिर से स्टाइल बटन को ऐड करेंगे, जिसका नाम हम इस बार लॉक रखेंगे और इसमें पिन हम GPIO 12 पिन को सेलेक्ट करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करके हम इस बार नोटिफिकेशन को ऐड करेंगे। और हमारा ब्लिंक एप्लीकेशन रेडी हो गया है। यह हमारे प्रोजेक्ट का फर्स्ट सर्किट डायग्राम है, जिसके थ्रू हम अपने ESP बोर्ड को प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हमने वाईफाई क्रेडेंशियल और ऑथेंटिकेशन टोकन को पेस्ट किया है। फिर टूल्स में जाके हमने ESP32 ब्रोवर मॉड्यूल सेलेक्ट करा और पार्टीशन स्कीम में हूज ऐप सेलेक्ट किया। सिंपली अपलोड बटन के थ्रू इसको अपलोड कर दिया। प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड करने के बाद IO0 और ग्राउंड पिन के जो वायर शॉर्ट किए थे उसको रिमूव करके रिसेट बटन दबाएं। ये हमारे प्रोजेक्ट का सेकंड सर्किट डायग्राम है, इसके थ्रू हम सारा सेटअप करेंगे। सो हम अपने ESP बोर्ड को ब्रेडबोर्ड पे सेटअप करते हैं।
मैं यहाँ लैपटॉप की 5 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज़ करूँगा। आप कोई भी 5 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो यहाँ साइड में ब्लिंक एप्लीकेशन की स्क्रीन आ रही है। जैसे ही कोई भी डोरबेल प्रेस करेगा, ये एक नोटिफिकेशन अलर्ट करेगा, समवन अराइव, कोई आया है। यह नोटिफिकेशन हमें ब्लिंक एप्लीकेशन पर मिलेगा और टेक बटन की हेल्प से हम उसके डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ साइड में अनलॉक बटन की हेल्प से हम लॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। That's all today's project. So guys, that's all today's